हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखने वाले हैं डीएच लॉरेंस की नॉवल वुमेन इन लव की। और ये जो नॉवल है इसमें आदमी और औरतों के बीच में कैसी रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है उर्सुला ब्रैंगवेन का, द ओल्डर ब्रैंगवेन सिस्टर। तो ये बड़ी बहन है। उर्सुला इज़ अ स्कूल टीचर। She is somewhat less worldly than her sister Gudrun. She falls in love with Rupert Birkin. तो ये अपनी बहन गुडरून की तरह दुनिया में खोई हुई नहीं है और थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है। She falls in love with Rupert Birkin. Rupert Birkin से इसे प्यार हो जाता है। गुडरून ब्रैंगवेन छोटी बहन है उर्सुला की। She has recently returned from a life in the arts in London. और वो लंदन में आर्ट सीख रही होती है, वहाँ से वापस आई होती है। Where she spent time among the social elite. लंदन में अमीर लोगों के बीच उसने अपनी ज़िंदगी बिताई होती है। शी फॉल्स फॉर जेराल्ड क्रिच, और उसे जेराल्ड क्रिच से प्यार हो जाता है, इसीलिए क्योंकि जेराल्ड क्रिच काफ़ी अमीर आदमी होता है और कोल माइंस का मालिक होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो जेराल्ड क्रिच का ही है, जैसे मैंने आपको बताया, ओनर ऑफ अ माइनिंग कंपनी। वो एक कोल की माइन का ओनर होता है। ही फॉल्स इन लव विद गुडरून ब्रैंगवेन, और वो गुडरून ब्रैंगवेन से प्यार कर बैठता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रूपर्ट बर्किन। रूपर्ट बर्किन एक कंट्री स्कूल इंस्पेक्टर होता है जो उर्सुला ब्रैंगवेन से लव करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हर लॉर्क। लॉर्क एक स्कल्प्टर होता है, स्कल्प्टर मूर्ति बनाने वाला होता है, हु इज़ वन ऑफ द हॉस्टल गेस्ट, और वो हॉस्टल में गेस्ट के तौर पे बन के आता है। ही इज़ अ टाइनी एंड ऑड लुकिंग मैन। वो एक छोटा सा अजीब दिखने वाला आदमी है। वो डेवलप्स एन एफिनिटी विद गुडरून बेस्ड ऑन देयर म्यूचुअल एस्टिमेशन ऑफ आर्ट। अब क्योंकि गुडरून भी आर्ट्स फील्ड की थी, उसे पेंटिंग करना पसंद होता है, इसलिए लॉर्क और गुडरून बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, इनफैक्ट फ्रेंड्स से ज़्यादा ही। तो चलिए अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस नॉवल में क्या बताया गया है। वुमेन इन लव कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ द ब्रैंगवेन सिस्टर्स उर्सुला 26 एंड गुडरून 25। तो वुमेन इन लव बेसिकली एक सीक्वल है द रेनबो का। रेनबो डीएच लॉरेंस की नॉवल है जो कि इसके पहले लिखी गई थी। तो वुमेन इन लव कहानी है उर्सुला और गुडरून की। उर्सुला 26 इयर्स की है और गुडरून 25 की। बोथ गर्ल्स आर इन लव बट इन वास्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो दोनों लड़कियों को ही प्यार होता है, लेकिन उन दोनों की रिलेशनशिप्स बहुत ही अलग तरीके की होती है। लॉरेंस परस्यूज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज रिलेशनशिप्स ओवर द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। And the novel ends when the sisters and their lovers are on vacation in the Tyrolean Alps. तो जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी, चल रही थी, तब ये रिलेशनशिप्स शुरू होते हैं। और फाइनली नॉवल का अंत होता है जब ये लोग सब वेकेशन मनाने जाते हैं Tyrolean Alps नाम के माउंटेन पर। उर्सुला एंड गुडरून ब्रैंगवेन आर सिस्टर्स लिविंग इन द मिडलैंड्स इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के मिडलैंड्स में ये रहते हैं और साल चल रहा है 1910s। उर्सुला इज़ अ स्कूल टीचर। उर्सुला एक स्कूल टीचर है, गुडरून पेंटर है। दे मीट टू मैन हु लिव नियर बाय, स्कूल इंस्पेक्टर रूपर्ट बर्किन एंड जेराल्ड क्रिच हायर टू अ कोल माइन एंड द फोर बिकम फ्रेंड्स। तो ये दोनों लड़कियां दो आदमियों को मिलती हैं, रूपर्ट बर्किन जो कि एक स्कूल इंस्पेक्टर होता है, उर्सुला स्कूल टीचर होती है, इसलिए उर्सुला और रूपर्ट में प्यार हो जाता है। और उसी तरीके से गुडरून और जेराल्ड के बीच प्यार हो जाता है। जेराल्ड जो है वो एक कोल माइन का ओनर है। चारों लोग दोस्त बन जाते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाती हैं उनके बीच। ऑल फोर आर डीपली कंसर्न विद क्वेश्चंस ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो चारों लोग जो है उनके दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सोसाइटी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, और आदमी और औरतों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सब को लेकर उनके मन में अलग अलग ख्याल होते हैं। द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवल मोर जनरली आर कंसर्न विद क्वेश्चंस ऑफ सोशल क्लास, पॉलिटिक्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन मेन एंड वेमेन। जेराल्ड हैविंग इमर्स्ड हिमसेल्फ इन द डीह्यूमनाइजिंग इंडस्ट्री ऑफ द कोल बिजनेस लुक्स फॉर समवन टू री इग्नाइट हिज सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फील्स ही हैज़ फाउंड द स्पार्क इन गुडरून। तो जेराल्ड क्योंकि बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग एक बेकार किस्म की इंडस्ट्री में था, कोल बिजनेस में, जहाँ पे वो रोज ही वर्कर्स को जो कि थके हुए होते थे उनको देखता था कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं,
तो वो उसके अंदर से ह्यूमैनिटी निकल गई थी। और जब वो गुडरून से मिला तो उसे ऐसा लगा कि शायद गुडरून से रिलेशनशिप रखेगा तो उसके अंदर फिर से वो इंसानियत जाग पाएगी, ह्यूमैनिटी जाग पाएगी। गुडरून इज़ इंटेंसली फिजिकली अट्रैक्टेड टू द हैंडसम मैनली जेराल्ड। और जो गुडरून है, जब वो देखते हैं कि जेराल्ड इतना अमीर है और इसके साथ साथ वो इतना हैंडसम भी है, तो गुडरून भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन इन दोनों को बाद में रियलाइज़ होता है कि ये लोग एकदम अलग लोग हैं और इन्हें रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए था। रूपर्ट फील्स दैट ही नोज़ वॉट ही वॉन्ट्स इन अ वूमेन। तो जो रूपर्ट है, स्कूल इंस्पेक्टर, उसे ऐसा लगता है कि उसे पता है कि उसे एक औरत में क्या चाहिए। ही वॉन्ट्स एब्सोल्यूट ट्रस्ट सो दैट बोथ ही एंड हिज पार्टनर कैन रिमेन ट्रू टू देमसेल्व्स। तो वो एकदम ट्रस्ट चाहता है अपनी पार्टनर से, ताकि वो और उसका पार्टनर उसके पार्टनर एक दूसरे के प्रति सच्चे रह सकें, ट्रू रह सकें। ही फाइंड्स लव टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट डिवोशन टू द यूनिवर्स थ्रू अनदर पर्सन। और वो काफ़ी फिलोसफिकल होता है और सोचता है कि प्यार किसी और इंसान को, जब हम प्यार कर रहे हैं तो वो एक्चुअली हमारा तरीका है यूनिवर्स से प्यार करने का, भगवान से प्यार करने का। तो बहुत ही फिलोसफिकल इंसान होता है। एंड व्हेन उर्सुला आस्क हिम टू टेल हर वन सिंपल थिंग, ही रिवील्स दैट ही लव्स हर। तो जब उर्सुला उससे पूछती है कि तुम्हारे मन में क्या है, तो वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो बता देता है उर्सुला को कि वो उर्सुला को पसंद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच के रिलेशनशिप को नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि प्यार दो इंडिविजुअल्स, दो आत्माओं का मिलन है, और इसीलिए दो आदमियों के बीच भी प्यार हो सकता है, ऐसा वो मानता है। शी अंडरस्टैंड्स वॉट ही मीन्स एंड दिस सीम्स टू सेटिस्फाई हर। तो जब वो उर्सुला को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो समझती है वो क्या कहना चाहता है। रूपर्ट इज़ ऑल्सो एडामेंट दैट मैन शुड शेयर प्लेटोनिक लव। तो रूपर्ट ऐसा मानता है कि आदमियों के बीच भी प्यार होना चाहिए, नॉट फिजिकल, फिजिकल नहीं, लेकिन बस एक आंतरिक प्यार, एक प्लेटोनिक प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए। ड्यूरिंग द नॉवल ही हैज़ जेराल्ड टू मेक सच अ वो ऑफ लव विथ हिम सेवरल टाइम्स। तो नॉवल में कई बार वो जेराल्ड को कहता है कि तुम मुझे बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जेराल्ड इन चीज़ों में मानता नहीं था और वो मना कर देता था हर बार। तो जेराल्ड रिफ्यूज़ कर देता था। रूपर्ट बिलीव्स ही कैन ओनली बी ट्रूली हैप्पी ही हैज़ अ लव ऑफ बोथ अ वुमन एंड अ मैन। तो रूपर्ट मानता था कि वो तभी खुश रह पाएगा जब उसे एक आदमी और औरत दोनों का प्यार मिल जाएगा। तो उसे उर्सुला का प्यार तो मिल गया था, लेकिन जेराल्ड बार बार मना कर देता था। अभी देखिए आगे क्या होता है। एट अ पार्टी एट शॉर्टलैंड्स, द क्रिच फैमिलीज कंट्री मैनर होम, जेराल्ड सिस्टर डायना ड्राउन्स। तो एक पार्टी हो रही होती है शॉर्टलैंड्स में, जहाँ पे और ये शॉर्टलैंड्स क्या था, एक बहुत बड़ा बंगला टाइप का था, कैसल था क्रिच फैमिली का, और वहाँ पर जेराल्ड की बहन डायना डूब कर मर जाती है। गुडरून बिकम्स द टीचर एंड मेंटर ऑफ जेराल्ड्स यंगेस्ट सिस्टर। और गुडरून जो है वो जेराल्ड की सबसे छोटी बहन की टीचर बन जाती है। सून जेराल्ड्स कोल माइनिंग ओनर फादर डाइज एज वेल। और उसके कुछ ही दिन बाद जेराल्ड के जो पापा, जो कि असली मालिक होते हैं उस कोल माइन के, वो भी गुजर जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, क्योंकि वो बीमार थे। आफ्टर द फ्यूनरल जेराल्ड गोज टू गुडरून्स हाउस एंड स्पेंड्स अ नाइट विथ हर वाइल हर पेरेंट्स स्लीप इन अनदर रूम। तो जब फ्यूनरल होता है, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है उसके पापा का, तब जेराल्ड गुडरून के घर जाता है और उसी के साथ रात बिताता है। बर्किन आज उर्सुला टू मैरी हिम। तो बर्किन उर्सुला को कहता है शादी करने के लिए, एंड शी अग्रीज। तो वो तो मान जाती है, लेकिन जेराल्ड और गुडरून की रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। जेराल्ड एंड गुडरून्स रिलेशनशिप हाउएवर बिकम्स स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब ख़राब हो जाती है। द टू कपल्स टेक अ हॉलीडे टुगेदर इन द ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। उसके बाद वो लोग ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। गुडरून बिगिन्स एन इंटेंस फ्रेंडशिप विथ लियोर्क, अ फिजिकली प्यूनी बट इमोशनली कमांडिंग आर्टिस्ट फ्रॉम ड्रेसडन। तो गुडरून जो है उसकी दोस्ती हो जाती है लियोर्क नाम के इंसान से, जो फिजिकली तो ठीक नहीं दिखता था, बहुत ही छोटा अजीब तरीके का इंसान था, बट इमोशनली वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि लियोर्क भी एक आर्टिस्ट होता है और गुडरून भी एक आर्टिस्ट है। लियोर्क एक स्कल्प्टर होता है, मूर्ति बनाने वाला। जेराल्ड एनरेज बाय लियोर्क एंड मोस्ट ऑफ ऑल बाय गुडरून्स वर्बल अब्यूज एंड रिजेक्शन ऑफ हिज मैनहुड एंड ड्राइवन बाय हिज ओन इंटरनल वॉयलेंस ट्राइज टू स्ट्रैंगल गुडरून। लेकिन जब जेराल्ड ये देखता है कि ये लोग दोनों इतने ज़्यादा करीब आ गए हैं, तो जेराल्ड को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा गुडरून उसे फिजिकली अब्यूज़ भी कर रही होती है, वर्बली अब्यूज़ कर रही होती है, बहुत कुछ उसे बोलती है और उसकी मैस्कुलिनिटी पे सवाल उठाती है। और इसीलिए
जेराल्ड जो है गुडरून का गला दबाने की कोशिश करता है, स्ट्रैंगल करता है उसको। ही सडनली बिकम्स डिसगस्टेड विथ हिज एक्शंस एंड लेट्स हर गो। और फिर अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये क्या कर रहा है, कहीं वो मर ना जाए, और इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। ही लीव्स गुडरून एंड लियोग टू क्लाइम द माउंटेन, इवेंचुअली स्लिपिंग इन टू अ स्नोई वैली वेर ही फॉल्स टू स्लीप एंड फ्रीजेस टू डेथ। उसके बाद फिर वो गुडरून और लियोर को छोड़कर उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है, बर्फीले पहाड़ पर, लेकिन वहाँ पर वो फिसल जाता है और फिसल कर वो मर जाता है और बर्फ़ में जम जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ जेराल्ड्स डेथ अपॉन बिरकिन इज़ प्रोफाउंड। तो जब जेराल्ड मर जाता है तो बिरकिन को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए क्योंकि बिरकिन जेराल्ड को पसंद करता था। द नॉवल एंड्स अ फ्यू वीक्स आफ्टर जेराल्ड्स डेथ विद बिरकिन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू उर्सुला that although he needed no other woman than Ursula, he valued a relationship with Gerald that is gone forever. तो नॉवल का वहाँ पे एंड हो जाता है जहाँ पे बर्किन जो है उर्सुला को समझा रहा होता है कि हालांकि वो उर्सुला से बहुत प्यार करता है और उसे किसी और औरत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे ऑफकोर्स जेराल्ड की ज़रूरत थी और वो जेराल्ड के साथ जैसा भी उसका रिलेशनशिप था उसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता था। सो बेसिकली इस नॉवल में होमोसेक्सुअल थीम्स हैं और दो आदमियों के बीच भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा बताया गया है। सो आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट नॉवल के समरी में, तब तक के लिए गुड बाय।